हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर 5 में ले रहे हैं लेक्चर नंबर 33। टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ग्राफ। ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। जनरली ग्राफ में दो चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, ए सेट बी इक्वल्स टू बी जी, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस, पॉइंट्स और नोड्स ऑफ जी। सबसे पहले बी जो सेट होता है वो वर्टिसेस का सेट होता है, जिसमें पॉइंट्स या नोड जो वर्टिस उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेस, पॉइंट्स या नोड्स भी कहते हैं जी के। ए सेट इक्वल्स टू ई जी ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस कॉल्ड एडजेस ऑफ जी। इस तरह से सेट ऑफ एडजेस का जो सेट होता है उसे ई से डिनोट करते हैं, जिसमें डिफरेंट वर्टिसेस के जो पेयर बनते हैं वो इन एडजेस से ही बनते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर, बी डिनोट सच ए ग्राफ बाय जी बी, जी नोटेशन फॉर ग्राफ, बी सेट ऑफ वर्टिसेस, ई सेट ऑफ एडजेस। वर्टिसेस यू एंड बी आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज एन एड्ज इक्वल्स टू यू। यदि यू और बी दोनों कनेक्ट हैं एड्ज ई से तो इक्वल्स टू यू भी लिखा जाएगा, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है। यू और बी दो वर्टिसेस हैं, उनको ई एड्ज से कनेक्ट किया गया। इन सच ए केस यू एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ ई इक्वल्स टू यू। इस कंडीशन में यू और बी क्या कहलाते हैं, एंड पॉइंट्स कहलाते हैं एड्स ई के, एंड ई आर सेड टू बी कनेक्ट यू एंड बी, और ई को कहा जाता है ये कनेक्ट करता है यू और बी को। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। द डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एडजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स बी। डिग्री ऑफ द वर्टेक्स होती है कि जिस वर्टेक्स पे जितने नंबर ऑफ एडजेस इंसिडेंट हैं आ जा रहे हैं वहाँ से, तो सेल्फ लूप इज काउंटेड ट्वाइस। सेल्फ लूप को टू टाइम काउंट किया जाता है, बिकॉज दो बार उधर से ही निकलता है तो दोबारा आ जाता है, दो बार उसमें इंसिडेंट है उसका। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज डिनोटेड बाई डी बी। एग्जाम्पल, कंसिडर द ग्राफ जी शोन इन फिगर, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। ये डायग्राम दिया गया है, इसमें चार वर्टिसेज हैं, ए ए बी सी एंड डी। बी पर एक सेल्फ लूप भी है और डिफरेंट एडजेस हैं इसमें, ए बी है, एक बी टू बी है, बी सी है, ए सी है, बी डी है, ए डी है, ये सभी एडजेस हैं इसके। सॉल्यूशन, द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज शोन फॉलो। सबसे पहले ए की डिग्री क्या होगी, ए पे आते हैं, एक पे कितने एडजेस इंसिडेंट हैं, 1, 2 एंड 3, तो डी ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी बी, बी के कितने हैं, 1, 2 एंड 3, और एक सेल्फ लूप के दो माने जाएंगे तो टोटल 5 होगा, तो डी बी हो गया 5। सी में 1 और 2 दो ही हैं तो डी सी हो जाएगा 2, और डी में भी दो ही हैं इसलिए डी डी कुछ कुछ हो जाएगा 2। इस तरह से हमने डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकाला। एग्जाम्पल नंबर 2, Verify that the sum of degrees of all vertices is even for the graph shown in the figure. मैं वेरीफाई करना है कि डिग्रीज का जो सम होता है सभी वर्टिसेस का वो इवन होता है ग्राफ में। जैसे इसमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें B1 से लेके B8 तक वर्टिसेस हैं और डिफरेंट एडजेस बनाए गए इनके थ्रू, तो सम ऑफ द डिग्री बनाने के निकालनी, सबसे पहले B1 वर्टेक्स की डिग्री क्या है। B1 में 1 और 2 दो एडजेस इंसिडेंट हैं इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2 DB1। DB2 कितना होगा, DB2 में 3 है तो 3 आ जाएगा इसमें। इस तरह से DB3 में कितना है, DB3 में है 1, 2, 3, 3 है इसमें भी। इस तरह सबको ऐड करते जाएंगे तो वैल्यू निकलेगी होगी 22, विच इज इवन, जो कि क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Verify that there are even number of vertices of odd degrees in the graph shown figure. इस फिगर में जो डायग्राम दिया गया है, ग्राफ दिखाया गया है, उसमें हमें वेरीफाई करना है कि इसमें इवन नंबर ऑफ वर्टिसेज होंगे odd डिग्री के, तो सबके लिए हमें सबकी अलग डिग्री निकालनी पड़ेगी इसमें। The number of vertices of degree odd is 8. सबसे पहले हमें वो देखना है जो odd डिग्री वाले vertices हैं वो कितने हैं, 8 है। देखिए कौन कौन से हैं, ए में 3 है, ए हो गया, देन बी
डी की भी तीन है, ए डी ये भी हो गया दो, देन सी की तीन है तीन, एच की भी तीन है चार, देन ई की तीन है पांच और एफ की भी तीन है छह। टोटल कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिग्री ऑड इज एट है इसमें, तो वन हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, एट हो गया टोटल, सभी की डिग्री है वो ऑड है, इस तरह से एट हो गया टोटल। हेंस द वी हैव इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री, इसलिए से हम इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस रखते हैं ऑड डिग्री इस फिगर में। नेक्स्ट आता है पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, ए वर्टेक्स विद डिग्री वन इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स, यदि किसी वर्टेक्स की डिग्री वन है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह से पेंडेंट एड्ज होता है, द ओनली एड्ज विच इज एन इंसिडेंट विद एन पेंडेंट वर्टेक्स इज कॉल्ड द पेंडेंट एड्ज, और उस पेंडेंट वर्टेक्स से जो एड्ज रिलेट होता है वो क्या कहलाता है, पेंडेंट एड्ज कहलाता है। नाउ ऑड वर्टेक्स क्या होता है, ए वर्टेक्स हैविंग डिग्री ऑड इज कॉल्ड द ऑड वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स की डिग्री ऑड होती है उसे हम ऑड वर्टेक्स कहते हैं। इवन वर्टेक्स, ए वर्टेक्स हैविंग ए डिग्री इवन इज कॉल्ड द इवन वर्टेक्स, और जिस वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है उसे इवन वर्टेक्स कहते हैं। इंसिडेंट एड्ज, एन एड्ज इज कॉल्ड इंसिडेंट विद द वर्टेक्स इज कॉल्ड कनेक्ट, यदि कोई भी एड्ज किसी वर्टेक्स पे इंसिडेंट है तो उसे हम कहते हैं कनेक्ट है, उस एड्ज से कनेक्ट है, इंसिडेंट एड्ज कहलाता है। किसी वर्टेक्स पे यदि कोई कनेक्ट हो रहा है एड्ज तो उसे इंसिडेंट एड्ज कहते हैं। नाउ द एडजेसेंट वर्टिसेस, टू वर्टिसेस आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ एन एड्ज लिंक देम, दो वर्टिसेस क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट कहलाते हैं यदि कोई भी एड्ज उसको लिंक करता है। इफ देयर इज एन एड्ज यू बी देन वी कैन से वर्टेक्स यू इज एडजेसेंट टू वर्टेक्स बी, यदि यहाँ पे एक एड्ज है यू बी को कनेक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि यू इज एडजेसेंट टू वर्टेक्स बी, यू बी का एडजेसेंट है, एंड द वर्टेक्स बी इज एडजेसेंट टू वर्टेक्स यू, और बी यू का एडजेसेंट है। कंसीडर ग्राफ द फॉलोइंग फिगर शोन, ये ग्राफ बताया गया है इसमें, ये बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव ये तो वर्टेक्स हैं, और ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ई फाइव ये सभी एडजेस हैं। तुम्हें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द फॉलोइंग पेंडेड वर्टेक्स वर्टिसेस कौन से हैं इसमें, पेंडेड एडजेस कौन से हैं, ऑड वर्टिसेस कौन से हैं, इवन वर्टिसेस कौन से हैं, इंसिडेंट एडजेस कौन से हैं, और एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले पेंडेड वर्टिसेस लेते हैं जो केवल एक ही एड से जुड़ा हुआ है वो कहलाएगा पेंडेड वर्टेक्स, उसमें बी फाइव कैसा वर्टेक्स है जो केवल ई फाइव से कनेक्ट है, थोड़ा तरह सभी एक से ज़्यादा से कनेक्ट है, इसलिए वर्टेक्स बी फाइव इज द पेंडेड वर्टेक्स। नेक्स्ट कौन सा एड जो पेंडेड एड्ज है, देखिए जो एड्स केवल दो ही वर्टेक्स से जुड़ा होता है उसी को हम पेंडेड वर्टेक्स पेंडेड एड्स कह सकते हैं, जो कि ई फाइव है, जो बी फाइव बी फोर और बी फाइव से कनेक्ट हुआ है इसलिए इसी को हम क्या कह सकते हैं, पेंडेड एड्स कह सकते हैं। द एड्जेस बी फोर बी फाइव और ई फाइव इज द पेंडेड एड्स, ई फाइव को बी फोर बी फाइव से भी लिख सकते हैं वर्टिसेस के फॉर्म में, और केवल ई फाइव से भी लिख सकते हैं, ये क्या है, पेंडेड एड्स है। नेक्स्ट है ऑड वर्टिसेस कौन से हैं, जिनकी डिग्री ऑड है वो वर्टिसेस कौन कौन से, बी वन की दो है नहीं हो सकती, बी टू की भी टू है ये भी नहीं हो सकता ऑड, बी थ्री की तीन है, ये तो बी थ्री हो गया ऑड, उसकी तीन है डिग्री, थ्री डिग्री है बिकॉज तीन इंसिडेंट वर्टेक्स हैं इसमें, बी फोर की इवन है और बी फाइव की वन है, इस तरह से बी थ्री और बी फाइव दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो बी थ्री एंड बी फाइव आर ऑड वर्टिसेस। नाउ द इवन वर्टिसेस कौन से हैं जिनकी डिग्री इवन है, वो कौन कौन से हैं, जैसे बी वन है, बी वन बी टू बी फोर, ये तीन वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री इवन है, यानी उसमें इवन नंबर ऑफ एडजेस जुड़े हुए, तो बी वन बी टू बी फोर आर इवन वर्टिसेस। नाउ नेक्स्ट इज एड इंसिडेंट एडजेस कौन से, इंसिडेंट एडजेस कौन से हैं,
सबसे पहले E1 को देखते हैं, E1 B1 और B2 पे इंसिडेंट है, तो E1 हो गया, E2 है B1 और B3 पे है, E3 B2 और B3 पे है, E4 B3 और B4 पे है, और E5 B4 और B5 पे है। ये सभी क्या हैं? इंसिडेंट एजेस हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम, द एजेस E1 इज एन इंसिडेंट एज ऑफ ऑन B1 एंड B2, द एजेस E2 इज एन इंसिडेंट ऑन B1 एंड B3, द एज E3 इज एन इंसिडेंट ऑन B2 एंड B3, एंड द एज E4 इज एन इंसिडेंट ऑन B3 एंड B4, और द एज B5 इज एन इंसिडेंट ऑन B4 एंड B5। ये सभी इंसिडेंट एजेस हैं। नेक्स्ट, एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से? तो देखिए B1 B2 का है, और B2 का B3 भी है, और B1 का B3 भी है, B3 और B4 भी एडजेसेंट हैं, और B4 और B5 भी है। ये सभी एडजेसेंट भी आपस में कनेक्ट हैं एक एज से। तो वर्टेक्स B1 इज एडजेसेंट टू B2 एंड B3, B2 और B3 दोनों का है, और वर्टेक्स B2 इज एडजेसेंट टू B1 और B2, B1 और B3, एंड वर्टेक्स B3 एडजेसेंट टू B1 और B4, और वर्टेक्स B4 इज एडजेसेंट टू B3 एंड B5, और वर्टेक्स B5 इज एडजेसेंट टू B4। इस तरह से ये एडजेसेंट वर्टिसेस है। समझ में आ गया एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन से हैं? जो एक एज से कनेक्ट होते हैं, जैसे B1 B2 दोनों E1 से कनेक्ट हैं तो एडजेसेंट हैं, B1 और B3 भी एडजेसेंट हैं, तो B1 के B2 और B3 दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। B2 के कहें तो B1 और B3 हो जाएंगे, और B3 के कहें तो B1 B2 और B4 तीन हो जाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस, क्योंकि B4 का देखें तो B5 और B3 होंगे, और B5 का केवल B4 होगा। इस तरह से एडजेसेंट वर्टिसेस। नेक्स्ट, सेल्फ लूप। सेल्फ लूप क्या होता है? ए सेल्फ लूप इज एन एज ई इफ इट हैज द सेम एंड पॉइंट्स। सेल्फ लूप एक एज ई होता है जिसका सेम एंड पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एंड हो जाता है। तो एक ही पॉइंट से शुरू होता है, उसी पॉइंट पे बाद में आके एंड हो जाता है, तो क्या कहलाता है? सेल्फ लूप कहलाता है, क्योंकि एडजेस कहलाता है, ये एडजेस कहते हैं इसे। द ग्राफ शोन इन फिगर कंटेन्स द सेल्फ लूप एट द वर्टेक्स इक्वल्स टू B। देखिए यहाँ पे सेल्फ लूप दिखाए गए हैं, इसी एक सेल्फ लूप है जिसमें दिखाया गया है। आइसोलेटेड वर्टेक्स कहें, सिर्फ ट्राइबल ग्राफ है एक तरह से, जिसमें एक सेल्फ लूप बताया गया है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे एंड हो जाता है, जैसे आइसोलेटेड वर्टेक्स कह सकते हैं इसको। तो आज के क्लास में, लेक्चर में हमने सीखा, सबसे पहले तो इसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन बेसिक टर्मोलॉजी ऑफ ग्राफ, कि वर्टिसेस और ग्राफ, वर्टिसेस और एजेस क्या होते हैं, उनको मैंने एक डायग्राम से बताया। इसके बाद डिग्री ऑफ द वर्टेक्स पढ़ा हमने, कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स इतने नंबर ऑफ एजेस किसी वर्टेक्स पे इंसिडेंट होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। इस तरह से डायग्राम भी बताया हमने, इसी तरह से एग्जाम्पल भी दिए कुछ डिग्री निकालने के। इसके बाद कुछ वर्टेक्स को हमने बताया, जैसे पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है। पेंडेंट एज क्या होता है, जो ऑल्डी एज जो पेंडेंट वर्टेक्स से कनेक्ट होता है वो पेंडेंट एज कहलाता है। ऑड वर्टेक्स क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑड होती है उसे हम ऑड वर्टेक्स कहते हैं। इवन वर्टेक्स क्या होता है, ए वर्टेक्स हैविंग ए डिग्री इवन इज कॉल्ड इवन वर्टेक्स। इंसिडेंट एज क्या होता है, एन एज इज कॉल्ड इंसिडेंट विद द वर्टेक्स इज कनेक्ट। ऐसा एड जो कि इंसिडेंट हो वर्टिसेस पे क्या कहलाएगा, कनेक्ट हो, क्या इंसिडेंट एड्स कहलाएगा। एडजेसेंट वर्टिक्स कौन से होते हैं, जो एक एड से कनेक्ट होते हैं वो इंसिडेंट एडजेसेंट वर्टिक्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल भी लिए हमने, इसके बाद इसका देखा एग्जांपल है, इसमें हमने पेंडेंट वर्टिक्स, पेंडेंट एडजेस, ऑड वर्टिस, इवन वर्टिस, इंसिडेंट एडजेस, इंसिडेंट एडजेसेंट वर्टिस, इन सबको डिस्कस किया और इनके एग्जाम्पल से क्लियर। इसके बाद हमने सेल्फ लूप को बताया लास्ट में, कि ऐसा लूप जो स्टार्ट होता है वहीं पे एंड हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।